दमोह जिले की गैसाबाद थाना पुलिस के द्वारा बिहार जाकर के एक दुराचार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। यह मामला काफी पुराना है और युवक के द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार किया गया। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत करते हुए बिहार जाकर के वहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही किशोरी को उनके परिजनों के हवाले किया गया। अब साथ में अभी थाना गैसाबाद में 2015 का प्रकरण था, अपराध क्रमांक 12/15, जिसमें 13 साल की बच्ची थी जिसको एक लड़का जो है बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर लेकर भगा ले गया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और लगातार 2015 से पतारसी की जा रही थी लेकिन उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पार्टी रवाना की गई थी। जब लोकेशन पता चली कि बिहार में है उनकी लोकेशन, तो उस पतारसी के लिए भेजा गया था, जिसमें मैं स्वयं एवं थाना गैसाबाद की टीम को रवाना किया गया था। श्रीमान एसपी महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी मैडम के निर्देशन में पार्टी रवाना हुई थी, और जिसमें जाकर के बिहार से डीआईजी साहब की अनुमति प्राप्त करके गई थी। तो हम जब पहुँचे और उधर जाके लोकल पुलिस की सहायता से, बिहार में सहरसा जिला है उसके अंतर्गत नौहट्टा थाना का अंतर्गत पहुँचे, और जा करके हमने दस्तयाब किया लड़की को, और जो आरोपी है उसको पकड़ के वहीं गिरफ्तार किया। न्यायालय से उसका रिमांड प्राप्त किया था और हमने ला करके उसको फिर यहाँ पेश किया है न्यायालय से, उसको जेल भेज दिया गया है। लड़की को दस्तयाब करके उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। दमोह जिला मुख्यालय के साथ अनेक ग्रामीणों के में मिले मृत पक्षियों के बाद अब हटा में भी मृत पक्षी मिलने के बाद हड़कंप के हालात हैं। हालांकि बर्ड फ्लू की आशंका तो जताई जा रही है लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि मध्यप्रदेश में बर्ड फ्लू की आहट है और बर्ड फ्लू के मामले मिल रहे हैं। ऐसे में दमोह में भी इस तरह की आहट और आशंका का बाजार गर्म है। हालांकि हटा में पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा पक्षी का सैंपल लेकर के उसे भोपाल भेजा गया है। जांच आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। आज हटा में गौरी शंकर मंदिर के पीछे एक कबूतर मरा हुआ प्राप्त हुआ है, तो इसको हम सैंपल कलेक्ट करके हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजेंगे। अभी क्षेत्र में दमोह जिले में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई बर्ड फ्लू की, और उसमें ऐसी घबराने की बात नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा संख्या में पक्षियों में मौत होती है तब उसको हम बर्ड फ्लू का लक्षण मान सकते हैं। अभी हटा में कितने और मामले आ चुके हैं? पहले हटा में एक मड़िया दो में भी हुआ है जिसका आज हमने सैंपल कलेक्ट करवाया है, और उसके लिए भी हम हाई सिक्योरिटी लैब भेज रहे हैं। वहां भी एक ही पक्षी में ये मौत हुई है। दमोह जिले की पथरिया की दबंग विधायक रामबाई सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो सामने आने के बाद यह वीडियो उनके फिल्मी गीतों और लोकगीतों की धुन पर डांस करने का है। दरअसल रामबाई सिंह की बेटी का जन्मदिन था और वहां पर पारिवारिक आयोजन था। इसी पारिवारिक आयोजन के दौरान रामबाई सिंह के द्वारा खुशियां मनाते हुए डांस किया गया, और यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दमोह जिले के पथरिया की बीएसपी की दबंग विधायक रामबाई सिंह आए दिन चर्चाओं में रहती हैं, तो अक्सर उनके कारनामे सुर्खियों में रहते हैं। तीन दिन पहले ही बसपा की दबंग विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह के खिलाफ कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उन्हें कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी बनाया था, जिसे लेकर रामबाई की चिंता बढ़ सकती है।
लेकिन इसी बीच विधायक रामबाई का डांस करने वाला वीडियो सामने आया है, जो कि एक पारिवारिक आयोजन का है। दरअसल सोमवार को रामबाई की बेटी मेघा का 20वां जन्मदिन था, जिसको लेकर रामबाई के दमो निवास पर एक पारिवारिक पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में विधायक ने जमकर डांस किया। पूरे परिवार के साथ रामबाई का डांस देखते ही बन रहा था। बाकायदा डीजे की धुन पर कुछ फिल्मी, कुछ लोकगीत और लोक गीतों में राजनीतिक गीतों पर रामबाई ने बिंदास डांस किया और फिर वीडियो भी वायरल किए गए। हालांकि कोर्ट के आदेश में के बाद रामबाई के पति गोविंद सिंह सामान्य रूप से भी नजर नहीं आ रहे हैं और सोमवार रात बेटी के जन्मदिन पर भी तस्वीरों में दिखाई नहीं दिए। दमो के हटा एडीजी कोर्ट ने विधायक के पति गोविंद सिंह को 21 जनवरी के पहले कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बहरहाल ऐसे दौर में भी जब विधायक के पति पर संकट मंडरा रहा है, तब बेटी के जन्मदिन पर खुशियां कम ना हो, विधायक रामबाई का ये रूप चर्चाओं में जरूर है। तो सभी हमारी मतलब हमारी जो नंदे हैं, हमारी भाभी हरे हैं, हमारी बहनें हैं और जितने भी मतलब उसके फ्रेंड हैं, बच्चे के फ्रेंड हैं और भी जो अपने वाले हैं, सभी सभी लोगों को बुलाया था और छोटा सा घर में फंक्शन रखा था। उसी उपलक्ष में सब नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। दो दोस्तों के बीच शराब के बीच हुए विवाद और गाली गलौज के कारण एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू चलाकर उसकी हत्या कर दी। मामला दमो कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले धर्मपुरा वार्ड का है, जहां पर एक दोस्त ने गाड़ी पर पीछे बैठे हुए दूसरे दोस्त के गर्दन पर वार कर दिया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जो ये सब कर देना चले चले।
हम अकेले गाड़ी ले हमने तुझे दो ग्राउंड पे खड़े थे जो खेल लगो हमारे चारों चीजें हम भी चल रहे जो जो अभी संग है तो सो हम लगे चलो तीन चले तो सुहाते तो गए तो सो रवि कर लगो के लो हमें और पिलवा जो कर लो मैं के तो लेंगे पैसा के लगो हमें तो बात जितनी पीने हमें तो हमने ले लाई तो जो के लगो के लो हम तो भाई छीन ले जो कर लो भाई छीन ले हम तो भाई जो कर लो भैया जो कर लगो भैया के लो हम अकेले लड़का जो नागे तक आए और उन्हें पचाने से उतार के और उन्हें चक्कू फेरी और कुदको कर लो वो चीज आई ना मोरी गर्दन में बेदर में तो मेरे के बेटा कहाँ के ले गर्दन पे तुमने मैंने पकड़ा रहा बेटा जो मैं कूद वाली मगर का वो तेरे से ले आओ मोरे सारा ले बच्चा। आज अभी शाम की बात है, ये तीन लोग समरनाथ दारू पीने गए थे, वहाँ से वापस लौट रहे थे गाड़ी से। आगे भरत अहरवाल चला रहा था गाड़ी, बीच में मुकेश बैठा था मृतक और पीछे रवि बैठा था आरोपी। ये तीनों आ रहे थे आते समय किसी बात को लेकर के इसने बहन की गाली दे दी, बीच में जो बैठा था मुकेश ने तो इसी बात को लेकर रवि ने उसको चाकू से गले में मार दिया, इससे नस के अस्पताल में मृत्यु हो गई है। 307 कायम किया गया था, इसमें अब मार्ग पर 302 का इजाफा किया जाएगा। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। शहरी अंचल के साथ ग्रामीण अंचलों में भी चोर सक्रिय हैं। मड़ियादो थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बर्धा के शासकीय स्कूल में चोरों ने हाथ साफ किया है। यहां पर पंखों के साथ यहां की लाइटें चोरी करके चोर रफू चक्कर हो गए। सर क्या किया गया? विद्यालय शनिवार को 4:30-4:45 बजे करीब छुट्टी हुई जी, उसके बाद विद्यालय बंद हुआ जी, और सोमवार रविवार के अवकाश था जी सर। सोमवार को जब 10:30 बजे विद्यालय में उपस्थित हुए जी, चपरासी द्वारा देखा गया जी, और छात्र भी थे जी, छात्रों ने बताया कि यहाँ गुटखा थूका हुआ डला है। हाँ। तो हम देखने गए, अच्छा। तो वहाँ देखने में पाया कि विद्यालय के कक्षा पांचवी के तीन पंखे तीन ट्यूबलाइट जी, फिर उसके बाद कक्षा दसवीं में गए तो वहाँ की दो ट्यूबलाइट है जी, कक्षा नौवीं का एक ट्यूबलाइट जी, फिर बरामद जो आंगन में है आंगन की मरकरियां जिसकी सूचना सीमांत थाना प्रभारी महोदय को दूरभाष पर दी गई जी, और प्रथम सूचना प्रतिवेदन हेतु मड़िया तो जाने। पथरिया पुलिस थाना अंतर्गत जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित हुए इस जागरूकता संवाद के दौरान बालिकाओं की आयु, बालिकाओं की विवाह संबंधी आयु, साथ ही अन्य विषयों पर कानूनन जानकारी सभी महिलाओं को दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी संवाद के दौरान मौजूद रहे। थोड़ा सा एक्टिविटीज में आपको थोड़ा सा आपको ब्रेक करना पड़ेगा। बुलाने का उद्देश्य इतना था कि समान वे में आप आने आए, लेकिन जब आप परेशान होती हैं तो आपके दिमाग में कुछ और चलना होता है। आप यहाँ बैठी हैं, आपको अभी फिलहाल है यहाँ पे कोई बच्चे के साथ आप अच्छा व्यवहार रखेंगे तो कोई भी चीज़ होगा तो आपको पहले बताएगा। अगर वो बताएगा नहीं तो क्या करेगा? सामने वाला कोई हॉस्पिटल लाकर कोई भी उसको परेशान करेगा। आपकी बच्ची ने आपको बताया तो आपको पता चला, लेकिन उसके पहले वो 4-5 दिनों से नहीं बताया। ये चीज नहीं आए वही उसको टोको, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तेरी माँ बहन नहीं है क्या? बेटी नहीं है क्या? जब तो आप टोक दोगे तो वो थमेगा, फिर आगे किसी के साथ नहीं करेगा वो ऐसा।
बाप ने कहा चलो शर्म के बारे किसी को बताना नहीं है, भाई घर आ गए, बच्ची ये आ गई, औरत भी आ गई, सब आ गए, ये मत करिएगा। और फिर भी नहीं मानता है तो फिर अपने आस पड़ोस समाज के लोगों को बताइएगा, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को बताइए, उसको नहीं क्लास टीचर को बताइए, क्लास टीचर मेल है तो फीमेल क्लास टीचर हो उसको बता दीजिए जाके है? और हर बात बेटा अपनी माँ से। हटाना का प्रसिद्ध खेल मैदान में स्वर्गीय आलोक तिवारी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्री गणेश फैंस क्लब और गौरीशंकर मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन ही जिले भर की तमाम टीमें रोमांचक मुकाबला खेल रही हैं और इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक भी पहुंच रहे हैं। हासिल कर पाती है एक सफल गेंदबाज कृष्णा अपने कोटे का तीसरा और टीम की ओर हो चुकी है, कमेटी लेता है और काफी लंबा है अमित के बल्ले से, काफी तेज प्रहार कर रहे हैं अमित। एक और हिट, उतनी अच्छी फीलिंग सनी, और ये फिर से मिस फील्ड रहा, और एक और तोहफा काफी अच्छा शॉट करेंगे, और ये मिस फील्डिंग के चलते ओवर थ्रो के रूप में फिर से मिल जाता, और ये काफी लंबा है, और ये 140 रन का स्कोर, जिसमें गौरी संगत रहा समिति हार्दिक अभिनंदन ने बंदन कर दी है आते से, जबकि इसको है ओवर में काफी अच्छी बॉल, उतना अच्छा प्लेसमेंट, उतनी अच्छी फील्डिंग, और काफी अच्छा कॉर्नर शॉट, देखना होगा सत्यम या हद्दू क्या करते हैं, और ये मुकेश जोरदार खेला गया शॉट, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट दोनों खिलाड़ी, 10 उड़ते हुए छक्के हैं, और इस बार डिफेंस किया शॉट को, यार्क लेंथ थी आए थे इन्होंने, और ये बोल्ड आज धीरे हुए कदमों से चलते हुए जिन्होंने एक हाथ और फिर जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, और ये बोल्ड हुए हैं धीरज के लिए, और ये जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दूसरे के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, तीसरा रन यहां पर, और चौथा रन भी दौड़ गए यहां पर बल्लेबाज, अंतिम समय में बल्लेबाज पलट कर खेलने की कोशिश, रिवर्सिव, ग्राउंड का स्कोर 140-150 रहता है। एक और हवाई फायर, वर्षित छह रन, काफी अच्छा कैच डेनियल, काफी अच्छा शॉट, एक बार फिर से फील्डर मौजूद, काफी अच्छे फील्ड, एक बार फिर से हमें सामने होंगे तिशा इंडियन भाई दानिश और भानु, काफी अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई निश्चित ही, एक बार फिर से पवन सामने होंगे हमें, फुल टॉस बॉल करार प्रहार, हवा में बॉल, फील्डर नीचे आते हुए, लेकिन दर्शक बनकर रह गए छह रन, काफी अच्छी बॉलिंग, वाइट बॉल, चतुर्थ के रन के सहारे स्कोर हुआ 12 रन हमारे बीच, काफी अच्छा शॉट सोनू, जैसे कि मैंने इनके बारे में बताया था काफी घातक बल्लेबाज हैं, इनके सामने बॉलर भी आसानी से अपनी लाइन और लेन पकड़ नहीं पाते हैं।
दमोह के बेलाताल टापू श्री साईं मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इसके पहले बेलाताल टापू से साईं मंदिर पर राम सेतु से होते हुए एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद रहे। मालूम हो कि अब भागवत कथाओं का दौर भी जिले में शुरू हो गया है। ऐसे में धार्मिक आयोजन होने से लोग अब भक्ति के भाव में लीन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए कमर कस ली गई है और पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में जबलपुर से नीलेश अवस्थी और सागर से भावना सिंह का दमोह आगमन हुआ। अजय टंडन के निवास पर आयोजित बैठक के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष की टिकट मांगने वालों और पार्षद पद की टिकट मांगने वाले दावेदारों की भीड़ यहां पर नजर आई। सभी हमने अपनी दावेदारी पेश की और दावेदारी पेश करते हुए इन पर्यवेक्षकों के सामने परेड भी की और इस दौरान पर्यवेक्षकों ने कहा कि सभी से मुलाकात की जा रही है, वार्ड वार्ड में अब मुलाकात की जाएगी, जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी और पार्षद पद के प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। पहले तुम कुछ चुनाव लड़ा आपको? नहीं, मैंने चुनाव तो नहीं लड़ा, मैं प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ जी, और मैं AICC से वोटिंग सिस्टम में हूँ, तो दूसरे राज्यों में भी काम करती हूँ संगठन से काफी 15-20 साल से। 20 साल महिलाओं ने निरंतर 20 साल से मेहनत की है, निरंतर कंटिन्यू अभी के भैया जो भी आप टिकट का मतलब देखेंगे के जमीन के अंदर से, तो आप प्लीज थोड़ा सा महिलाएं खड़ी हैं, हम लाइन में 15 साल से खड़ी हैं, तो उनको जरूर देखिए। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी ने मुझे नगर पालिका दमोह के लिए प्रभारी बनाकर भेजा है, और आज हमने हमारे कांग्रेस संगठन के जो अध्यक्ष हैं टंडन जी एवं समस्त पदाधिकारीगण के साथ बैठक करी और आवेदन लिए हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसके बाद हम हर वार्ड में जाकर वार्ड में जो चुनाव के लड़ना चाहते इच्छुक हैं जो उनके बायोडाटा लेंगे। लगभग कितने प्रत्याशी अभी अध्यक्ष के लिए जो अभी
मुझे सूचना मिली 10 से 12 लोग हैं जिनने अपने लिए अध्यक्ष पद के लिए मांग करी है। टिकट वितरण का आधार क्या होगा, जाति के समीकरण से देंगे या? हमारा सिर्फ एक ही आधार है, जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगी, और हमारा जो कांग्रेस संगठन परिवार बैठेगा और निर्णय लेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। जो रनिंग पार्षद है उनमें से भी कुछ लोगों को टिकट मिलेगी या? निश्चित, मैंने आपसे बोला कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, हर वार्ड में जाऊँगा, और जो कार्यकर्ता का मत होगा, अगर वो कांग्रेस का पार्षद है और जीता हुआ है, अगर वो टिकट मांग रहा है तो उसको टिकट मिलेगी, अगर वो फिर से जीतेगा तो। कांग्रेस की मैक्सिमम ये परंपरा रही है कि एंड टाइम पे टिकट घोषित करती है, इसलिए लोगों को टाइम नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो जो चीज़ें हैं अब बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी हैं। हमारा नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो हमारा संगठन, जो हमारे कार्यकर्ताओं की चाह होगी, उसी हिसाब से अध्यक्ष और पार्षद का जो चयन होगा उसी हिसाब से होगा। देखिए, कमलनाथ जी के निर्देश हैं, हम लोग को यहाँ दमोह का सह प्रभारी बनाया, मुझे नीलेश अवस्थी जी को प्रभारी बनाया है। हम लोग यहाँ मीटिंग लेने के लिए आएंगे, देखना ये है कि कौन सा नाम ज़्यादा उभर के आ रहा है। हर प्रत्याशी से हम दो दो नाम पूछ रहे हैं, जिसका नाम ज़्यादा उभर के आएगा, जिसने काम किया है कांग्रेस का, उसी को जाते हैं। महिलाओं को भी टिकट दिया जाएगा क्या? जी हाँ, महिला प्रत्याशी ज्यादा पार्षद तो 20 उनका जो 20 पार्षद। अच्छा अच्छा, महिला प्रत्याशी उसको टिकट दिया जाएगा जो खुद काम करे, पति काम नहीं करे। बहुत बढ़िया, युवाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा, जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। क्या आज हमारे परिवेशक जी आए हैं, जबलपुर से नीलेश अवस्थी जी और सागर से भावना सिंह जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें शासक खुली कर नियुक्त किया है कि यह जाएं दमों में, वार्डों में जाएं, राजशुमारी करें, और जीतने वाले प्रत्याशी जो भी हो, नगर पालिका अध्यक्ष हेतु और पार्षद हेतु। तो हमारे अब अवस्थी जी और भावना जी सब लोग, हम लोग वार्डों में जाकर पता कर रहे हैं। अभी एक औपचारिकता कहें या वो कहें, एक बात, यहाँ पर जितने भी नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते थे 10 से 15 लोग, इसमें हमारे बहुत से सीरियस कैंडिडेट लोग भी हैं, उन सबके चयन, उन सब की बातों को सुना गया है। अब समिति बैठकर निर्णय करेगी आगे की रूपरेखा। नियुक्त पर्यवेक्षक श्री नीलेश अवस्थी जी और सह पर्यवेक्षक जी आज आए हुए हैं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में। सभी जो नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, और हमारे पर्यवेक्षक दो दिन रुकेंगे, आज और कल। आज वो वार्ड वाइज वार्ड जाके भ्रमण करेंगे, और जहाँ से जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसका चुनाव वार्ड में ही जाके किया जाएगा, और उसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा जो जीतने लायक होगा। एक नया मापदंड है ये कि वही प्रत्याशी चुना जाएगा जिसकी जीत सुनिश्चित होगी। आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार और जिला कांग्रेस के साथ सब मिलकर यही कार्य कर रहे हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर नगर पालिका में कांग्रेस की विजय, और ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जो पैराशूट का ना हो, जो स्थानीय हो, और जिसकी जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर आज बैठक हुई।